ख्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह अलैह रहमा, आपकी विलादत 26 मुहर्रम अल हराम 1343 हिजरी को उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के बिसौड़ी शरीफ में हुई। आपका नाम अब्दस मोहम्मद राहत हसन। आपके वालिद का नाम हुजूर शाहुल औलिया ख्वाजा अलहास मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका बहुत ही मशहूर लकब सनदुस सालेकीन, जिसका माने लुगत ये है कि ऐसी राह पर निहायत ही होश व हवास के साथ करीना और उसूल से पीरो मुर्शिद के साथ साथ चलना जो मंजिल मकसूद इरफान हक तक पहुंचा दे। इसी राह को तरीकत कहते हैं। तरीकत का माने रास्ता है, मगर इस रास्ते पर शरीयत मुस्तफवी की शमा जरूर रोशन हो, वरना ये अल्लाह वालों की तरीकत हरगिज न होगी बल्कि ये शैतानी राह होगी। वही तरीकत मकबूल महबूब और अल्लाह तक पहुंचाने वाली है जिसको शरीयत पाक की ताईद और पुश्त पनाही हासिल है। पूरा सुलूक व तसव्वुफ हकीकत व मार्फत हुजूर सैयदना व सैयदुल कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी इत्तबा और मोहब्बत ही में है। इसीलिए हुजूर कुतुबुल आरफीन ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सच्चाई और सफाई के साथ ऐलान हक फरमा दिया कि जो शरीयत पाक से हटा वो मुझसे कटा। ऐसे शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लगाव नहीं। सच है हर नेमत दामने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही वाबस्ता है। सनद ये भी अरबी का लफ्ज है जिसका माने है भरोसा, एतमाद, पुश्त पनाह, दारो मदार वगैरह। सनद का लफ्ज उसूल हदीस की इस्तेलाह में बहुत ही मुस्तमिल है। सनद ही पर हदीस की असल का दारो मदार है। जैसी सनद वैसी असल। अब पढ़ो सनदुस सालिकीन का तर्जुमा। हजरत ख्वाजा राहत हसन अलैह रहमा पर सालिकों का दारो मदार है। आप सालिकों की सनद है। जिसको सुलूक के सनद दे रहे हैं वह सालिक है। आप सालिक ही नहीं बल्कि सालिक गर हैं, सालिक बनाने वाले। इंसान गुम हैवानों को इंसान बनाना, फिर उनको इरफान हक की फैक्ट्री में डालकर अल्लाह वाला बनाना, यही है आपका सुलूक के तसव्वुफ और यही है सिलसिले जहांगीरिया की खिदमत व इशाअत का अव्वलीन मकसद। मुस्तजाब उद्दवत का मायना है कि जिसकी जुबान से निकली हुई दुआ बारगाह इलाही में बहुत जल्द कबूल हो जाती है। सफ़े औलिया में बहुत ही ऊंचे मर्तबा सरापा खैर व बरकत मुस्तजाब उद्दवत बुजुर्गों को अब्दाल कहते हैं। हदीसों में अब्दालों के बकसरत फजाइल व मरातिब बयान किए गए हैं। यहाँ सिर्फ चंद खसूसियात जिक्र किए जा रहे हैं। मुस्तजाब उद्दवत होते हैं, बहुत ही सखे जिंदा दिल होते हैं, सभी का भला चाहते हैं, दिल और जुबान एक होती है। जिनके जिक्र की बरकत से बलाएं टलती हैं, उनके वसीले से बारिश होती है, उनसे जमीन का निजाम कायम है, उनका सीना कानों से पाक होता है। इन खुशूशियात की रोशनी में हजरत ख्वाजा राहत हसन अलैह रहमा की साफ शफाक सुथरी निखरी सीरत का मुताला करने के बाद हकीकत शनाश अहले दिल ने साफ ऐलान कर दिया और ये ऐलान हर तरफ फैल गया कि हजरत ख्वाजा राहत हसन अलैह रहमा अब्दाले जमाना है, मुस्तजाब उद्दवत बुजुर्ग हैं। आपकी अहलिया मुबारक के दरगाह आली के नजदीक मदफून है। 1995 ईस्वी में आप पर्दा फरमाई। आप निहायत पाकबाज वलिया और आरिफा थी। बेहद ही फराग दिल से मुरीदीन की देखभाल, मुरीदीन की दिलजोई, मोहब्बत दुख दर्द में खैर गिरी, हर मुमकिन तौर पर मदद करना इस घराने की पुरानी रीत रही है और ये विरासत रिवायत आज भी कायम है। आपके तीन बेटे थे, सनदुल औलिया ख्वाजा फसाहत हसन शाह अलैह रहमा, मखदूम गिरामी किबला मिसबाह हसन मियां, मखदूम गिरामी किबला फरहत हसन मियां, और आपकी दो साहबजादियां थी, मखदूमा नईमा खातून, मखदूमा फहीमा खातून। मुरीदीन और खलीफा की तादाद कम मगर अहम और बहुत अहम। हर मुरीद जिक्र अली और खफी का मुजस्सम नमूना। उन्हीं मुरीदों में एक चीला बाराबंकी के मोजा खजूरी में आराम फरमा रहे बुजुर्ग ताजुस सूफिया सदरुस सूफिया हाफिजो कारी शेख अहमदुल्ला शाह राहती इनायती रजाई अबुल उलाई जहांगीर रहमतुल्ला अलैह हैं।
सारे मुरीद सुलूक व तसव्वुफ से बाफायस बामुराद सब राहती फैक्ट्री के शाहकार सब पर पीरो मुर्शिद की छाप सूफियों की भीड़ में आसानी से पहचान लिए जाने वाले राहती गोहर सादात। तारीख वफात 4 जिलकदा 1395 हिजरी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 9 नवंबर 1975 ईस्वी बरोज इतवार को आपने दुनियाए फानी को अलविदा कह दिया। आपकी नमाज जनाजा आप ही के खानदान आली के मुक्तदर बुजुर्ग मिसौरी शरीफ की जामा मस्जिद के पेशे इमाम मौलाना नूरुल हसन साहब उर्फ दद्दा मियां रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई। हर साल 2, 3, 4, 5 जलकदा को बमकाम भसौड़ी शरीफ बहुत ही ईमानी रूहानी फिजा में उर्स मुबारक होता है, जहां लाखों की तादाद में राहती गुलाम हाजिर होते हैं।